नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी कथा मुख्य शिक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पिछले पाठ में हम लोगों ने कादंबरी सवर सेनापति वर्णन में हम लोगों ने जो है दूसरा भाग देख लिया था। अब हम लोग तीसरे भाग को देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो सबर सेनापति को तोते ने देखा। अब वो सबर सेनापति किस प्रकार का है तो उसके विशेषणों को बता रहे हैं। इभ मद मलिनम, ठीक है? इभ मद मलिनम आलान स्तंभ युगलम उपहसंतम इव ऊरु दंड द्वयेन लाक्षा लोहित कौशेय परिधानम। देखो, कहते हैं कि जो उसके ऊरु दंड द्वय हैं, उसके जो ऊरु दंड द्वय हैं, जंघा के दृढ़ दोनों दंड, ठीक है? ऊरु दंड द्वय का अर्थ क्या है? जंघा के दृढ़ दोनों दंड। देखो, दंड का अर्थ यहां पर क्या लेना है? जो पैर हैं, जो जंघा जंघस्थल, जो जंघा वाले हिस्से के जो पैर हैं, तो वो लेने हैं यहां पर। और जंघा के जो दृढ़ दोनों दंड हैं, उन दोनों दंडों के द्वारा अब कह रहे हैं कि वो दंड कैसे हैं, तो ये देखिए, उन दोनों दंडों के द्वारा जो इभमद मलिन आलान स्तंभ का युगल है, उसको उपहसंतम, मानो उपहास कर रहा हो। अब समझिए, आलान क्या होता है, आलान स्तंभ क्या होता है। आलान स्तंभ का मतलब होता है जो हाथी को बांधने के लिए जिस मतलब खंभे का प्रयोग करते हैं, जिस खूंटे का प्रयोग करते हैं, उसको आलान स्तंभ कहते हैं। आलान स्तंभ मतलब हाथी को बांधने का, स्तंभ मतलब खंभा, खूंटा, ऐसा जो भी अर्थ ले सकते हैं, ठीक है? तो हाथी को बांधने का जो खंभा, और खंभा का जो युगल, खंभा का युगल, युगल मतलब जोड़ा। बात समझ में आई कि नहीं? अब बताओ, अगर किसी खंभे, कहीं खंभे पर अगर हाथी बांधा जाता होगा, तो निश्चित रूप से वो खंभा हाथी के मदजल, हाथी का मदजल काला काला होता है, तो उसके द्वारा वो खंभा भी काला काला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? वही बता रहे हैं। इब इब माने हाथी के, मद माने मदजल से, मलिन माने काला। तो इब माने हाथी के, मद माने मदजल से, मलिन माने काला। जो कौन काला है? जोड़ा। किसका जोड़ा? खंभों का जोड़ा। किसके लिए? आलान। आलान मतलब हाथी को जो बांधने का जो स्तंभ है, खंभा है, उस खंभे का जो जोड़ा है, वो इभ मद यानी हाथी के मदजल से मलिन माने काला हो गया है। क्योंकि हाथी बांधेंगे खंभे में, तो खंभा तो काला हो ही जाएगा ना। तो ऐसे खंभे के जोड़े को, अब हाथी जिस खंभे में बांधा जाएगा, बताओ वो खंभा मजबूत होगा कि नहीं? मजबूत भी होगा, और हाथी के मदजल से काला भी हो जाएगा कि नहीं? काला भी हो जाएगा। और इसी प्रकार के इसके जो दोनों जांघों वाले जो मतलब हिस्से हैं पैर के, वो भी इसके इसी प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि मतलब वो भी बहुत दृढ़ हैं, मजबूत हैं, और हाथी के मदजल से काले हुए खंभे के समान काले काले हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसके जो ऊरु दंड द्वय हैं, जंघा के जो द्वय मतलब दोनों दृढ़ दंड हैं, वो क्या हैं? दृढ़ भी हैं और काले भी हैं। तो इसीलिए मानो उन अपने दोनों माने पैरों के जो भाग हैं, हिस्से हैं, जो जंघा के वाले हिस्से हैं, उन हिस्सों से मानो हाथी को बांधने के जो
खंभे के जोड़े हैं, आलान स्तंभ हैं, उन युगल माने जोड़ा, तो उसको भी क्या कर रहा हो मानो, इब इब माने मानो, उपहसंतम माने जोड़े का क्या कर रहा हो, मजाक उड़ा रहा हो। समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि उसके जो हाथी के बांधने के खंभे अत्यंत मजबूत होते होंगे और अत्यंत दृढ़ अत्यंत मोटे होते होंगे, लेकिन इसके भी जो ऊरुदंड हैं अत्यंत विशाल हैं और अत्यंत ही दृढ़ हैं। तो इसीलिए वो क्या कर रहा, हाथी को बांधे, हाथी जिनमें बांधा जाता है ऐसे खंभों का भी वो मजाक उड़ा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? और जो खंभे होते हैं उनके वो काले क्यों पड़ जाते हैं, हाथी के मदजल से, क्योंकि हाथी बांधा जाएगा तो उसका मदजल खंभों पर पड़ेगा ही, तो खंभे काले पड़ जाते हैं। और इसके अंदर जो इसके पैरों में जो कालिमा है, जो जांघों में कालिमा है, जो कालापन है, वो इसका प्राकृतिक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसीलिए दोनों की समानता हो जाती है, दोनों श्याम वर्ण के होने के कारण। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, तो ये जो है एक हो गया, ये एक विशेषण हो गया। इतना समझ आया कि नहीं? अब दूसरा विशेषण, ये किसका विशेषण है, इव मद से मलिन जो आलान स्तंभ युगल, उसको अपने ऊरु दंड द्वय के द्वारा उपहसंतम माने उपहास कर रहा हो, माने हाथी के मदजल से मलिन काले आलान स्तंभ, हाथी को बांधे जाने वाले खंभे के युगल जोड़े को अपने दोनों जंघा जंघा के जो पैर के हिस्से, दंड माने हिस्से हैं, उनके द्वारा क्या कर रहा हो, उपहसंतम माने मजाक उड़ा रहा हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि उनसे भी ये कृष्ण ज्यादा काला है और उनसे भी ज्यादा मजबूत है। ये हो गया एक। अब दूसरा विशेषण देख लेते हैं, कई विशेषण हैं, उन्हीं को पढ़ते रहना है। लाक्षालोहित कौशेय परिधानम, ठीक है, लाक्षालोहित कौशेय परिधानम, लाक्षा के द्वारा, लाक्षा के द्वारा, लाक्षा मतलब जतु या लाख के द्वारा, लाक्षा लाख अथवा जतु भी कहते हैं, तो उसके द्वारा, लाख के द्वारा, लोहित, लोहित मतलब लाल किया गया, जो लाल नहीं था लाल किया गया, लोहित माने लाल किया गया, किसके द्वारा, लाक्षा लाख के द्वारा। लाख ऐसा माने एक पिघला हुआ पदार्थ जो क्या करता है, माने कपड़ों को रंग देता है लाल रंग से, तो लाक्षा के द्वारा लोहित माने लाल किया गया जो कौशेय का परिधान है, ठीक है, कौशेय यानी कि रेशमी परिधान है, यानी कि अधो वस्त्र है जिसका, वस्त्र है जिसका, ऐसा कौन हुआ, वो सबर सेनापति हुआ जिसका नाम क्या है, मातंग है। और इधर मजाक उड़ाते हुए, ये मजाक उड़ा रहा ये भी कौन है, यही है मातंग है। लाक्षा माने लाख के द्वारा, लोहित माने लाल किए गए, कौशेय यानी रेशमी के परिधान माने जो अधो वस्त्र हैं, वो अधो वस्त्र वो भी किसके हैं, वो भी अधो वस्त्र हैं जिसके, ऐसा कौन है, सवर सेनापति मातंग है। समझ में आ गया कि नहीं? अब कह रहे हैं कि अकारणेपि क्रूरतया बद्ध त्रिपताकोदग्र भुक्कुटी कराले ललाट फल के प्रबल भक्त्याराधितया मत्परिग्रहो यमिति कात्यायन्या त्रिशूलेनेवांकितम्। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि उसका जो माथा है, उस माथे के ऊपर जब वो थोड़ा सा भी जो है, माने अगर कोई क्रोधित होता है ना, तो अपनी भौहें चढ़ा लेता है और माथे के ऊपर उसके रेखाएं पड़ जाती हैं। जो भौहें थोड़ा चढ़ाता है ना, तो माथे के ऊपर क्या पड़ जाती हैं, रेखाएं पड़ जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो वो जो रेखाएं हैं ना, वो रेखाएं ऐसा लग रहा है जैसे भगवती कात्यायनी ने, दुर्गा ने अपने त्रिशूल के, त्रिशूल को मानो जो है उसके माथे पर उसका चिन्ह लगा दिया हो, त्रिशूल का चिन्ह, त्रिशूल की छाप लगा दी हो, त्रिशूल अंकित कर दिया हो। क्यों? क्योंकि भगवती कात्यायनी उसको अपना दास समझती हैं, अपना उसको माने सेवक समझती हैं,
बात समझ में आई कि नहीं। तो इसलिए मानो भगवती कात्यायनी ने मानो क्या कर दिया हो, उसके माथे पर अपना त्रिशूल लगा दिया हो, और उसका जो माथा है वो बिना किसी कारण के भी अत्यंत भयंकर है, उसकी जो भ्रुकुटी है वो बहुत ज़्यादा भयंकर है, बात समझ में है कि नहीं। और उस पर वही अब जो है यहाँ पर बता रहे हैं, इसको देख लेते हैं। तो अकारणेपि, अकारण मतलब बिना किसी कारण के भी, बिना किसी कारण के भी, मतलब क्रोध आने का कोई कारण नहीं है, कोप आने का कोई कारण नहीं है, बिना किसी कारण के भी कोई भी, मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके द्वारा वो अपनी भौहें तिरछी करे, गुस्सा करे, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है, फिर भी क्रूरतया, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से क्रूर है। क्या है? स्वभाव से ही क्रूर है, क्रूर माने हिंसक है, दुष्ट है, इसलिए स्वभाव से ही क्या है वो, दुष्ट है। अतः क्रूरतया का अर्थ क्या लेना है कि वो स्वभाव से ही क्रूर है, दुष्ट है, इसीलिए बिना किसी कारण के भी उसका जो ललाट फलक है, उसका जो ललाट फलक है यानी माथे का हिस्सा है, ठीक है, उसका जो ललाट फलक है यानी कि माथे का जो फलक हिस्सा है वह कराल है, कराल यानी भयंकर है। ये जो अकारणे पे बिना किसी कारण के भी, जब कारण होता है तब लोगों का माथा गुस्सा होने के कारण, भ्रूटी चढ़ा लेने के कारण क्रूर होने हो जा, माने तब तो क्रूरता आती है, तब तो भयंकर लगता है, लेकिन ये तो बिना कारण के भी स्वभाव से ही क्रूर माने दुष्ट हो, स्वभाव होने के कारण, बिना किसी कारण के ही ये स्वभाव से ही दुष्ट है, इसीलिए क्रूर होने के कारण इसका कराल यानी भयंकर भीषण ललाट फलक है यानी माथे का हिस्सा है, ठीक है। क्यों है भैया भयंकर, तो वो बता रहे हैं कि बद्ध त्रिपता को दग्र भ्रुकुटी करा ले, बद्ध यानी कि बनाई हुई, बद्ध यानी बनाई हुई, बनाई गई जो त्रिपताका है, त्रिपताका मतलब तीन रेखा, उस तीन रेखा के कारण उदग्र का मतलब क्या है, ऊंची, तीन रेखा के कारण ऊंची जो भ्रुकुटी यानी कि भौहें, उन भौहों के कारण भयंकर, कराल माने भयंकर है इसका ललाट फलक, मतलब माथे का हिस्सा, क्योंकि ये क्रूर स्वभाव से ही दुष्ट है, तो इसीलिए बद्ध माने बनी हुई हैं अथवा बनाई गई हैं, कौन, त्रिपताका माने तीन रेखाएं, इसके माथे पर हमेशा जो है गुस्से के कारण तीन रेखाएं बनी रहती हैं, बद्ध माने बनी रहती हैं त्रिपताका यानी तीन रेखाएं, तो जब बनी रहती हैं तो इसका मतलब इसकी जो भ्रुकुटी माने भौहें हैं वो उदग्र रहती हैं, हमेशा ऊंची उठी रहती हैं, तो उदग्र माने ऊंची उठी रहती हैं, भ्रुकुटी माने भौहें, तो ऐसी भौहों के कारण जो कराल है, कराल यानी भयंकर, कराल माने भयंकर, कौन, इसका ललाट फलक है, ऐसे माथे के हिस्से पर ऐसा माथा का हिस्सा है जो अत्यंत भयंकर है भौहों के कारण, तो ऐसे ललाट फलक पर माथे के हिस्से पर प्रबल भक्ति आराधितया, प्रबल भक्ति के द्वारा जो आराधित की गई हैं, पूजित की गई हैं, प्रबल यानी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ भक्ति से आराधित मतलब पूजित, अत्यंत श्रेष्ठ भक्ति के द्वारा जो जो पूजित, कौन, कात्यायनी, जो अति श्रेष्ठ भक्ति के द्वारा, प्रबल भक्ति के द्वारा आराधित मतलब पूजित, जिनकी पूजा की गई है, इस प्रकार की जो भगवती कात्यायनी है,
जो देवी गौरी हैं उनके द्वारा क्या मान करके कि मत परिग्रहो अयम अयम माने यह जो मातंग नाम का सवर सेनापति है ये मेरा क्या है। मत माने मेरा, परिग्रह माने दास है, ये मेरा दास है, सेवक है, नौकर है। अयम माने यह, इति इति माने ऐसा, ऐसा आगे जोड़ लो अपने आप, ऐसा सोच करके। समझ में आया कि नहीं कि भगवती कात्यायनी ने क्या सोचा कि मत परिग्रहो अयम, मत माने मेरा, परिग्रह माने दास है, ये मेरा जो है कृपा पात्र है, मेरा ये सेवक है। तो अयम माने यह जो मातंग नाम का सबर सेनापति, इति माने ऐसा सोच करके कात्यायन्य यानी देवी कात्यायनी के द्वारा, देवी गौरी के द्वारा त्रिशूलेन इव अंकितम, मानो इव, इव माने मानो, त्रिशूलेन त्रिशूल के द्वारा, त्रिशूल के द्वारा, जैसे जब स्वामी खुश हो जाता है ना तो वो क्या करता है, वो अपने दास को, अपने नौकर को एक ऐसी वस्तु दे देता है जिससे मतलब पता चले कि ये नौकर क्या है, राजा का है, उसका है। तो बात समझ में है कि नहीं, कोई भी जो भी समर्थ व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने दासों को, अपने नौकर इत्यादि को ये बताने के लिए कि मतलब अपना संबंध बताने के लिए कि ये मेरा है, ये बताने के लिए जो अपनी मुद्रा, अपनी मोहर इत्यादि जो है लगा करके और उसको दे देते हैं। तो उसी प्रकार से भगवती कात्यायनी ने कि ये मेरा दास है, मेरा नौकर है, ये बताने के लिए जो है मानो त्रिशूलेन इव, त्रिशूलेन त्रिशूल से इव माने मानो अंकित मन चिन्हित कर दिया हो। समझ आ गया कि नहीं, तो ये समझ आ गया। अकारणे क्रूरतया, बिना कारण के भी क्रूर स्वभाव होने के कारण बद्ध त्रिपता को त्रिपुटी करा ले, बद्ध माने बनी है या बनाई गई जो त्रिपता का माने तीन रेखाएं, उन तीन रेखाओं कहाँ माथे पर, उनके कारण उदग्र माने ऊंची जो भ्रुकुटी माने भौं है, उन भौहों के कारण कराल यानी भयंकर लगने वाला जो ललाट फलक है, माथे का हिस्सा है, उस पर प्रबल भक्ति से आराधित, अत्यंत श्रेष्ठ भक्ति से पूजित की गई जो कात्यायनी देवी गौरी के द्वारा, मत परिग्रहोयम, ये मेरा परिग्रह है, मेरा सेवक है, मेरा कृपा पात्र है, इस पर मुझे कृपा करनी चाहिए। इति माने ऐसा मान करके उस मातंग को इब माने मानो त्रिशूलेन अंकितम, त्रिशूल से चिन्हित कर दिया हो। किसको? उस मातंग को। समझ में आ गया कि नहीं? उपजात परिचय ही अनुगच्छद भी श्रमवशात दूर विनिर्गता भी स्वभाव पाटलतया शुष्काभिरपि हरिण शोणितमिव शरंती भी जिह्वा भी आविद्यमान खेदई। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जितने भी विशेषण हैं वो स्वभि, स्वभि माने कुत्तों के विशेषण हैं और उन कुत्तों के द्वारा अनुगमन किया जा रहा है। ये देखिए अनुगम्य मानम, अनुगम्य मान, अनुगम्य मान कौन है यहां पर? देखिए तो अनुगम्य मान, अनुगम्य मान कौन है यहां पर? माने अनुगमन किया जा रहा है, मतलब पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है? तो मैंने कुत्ते इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, कुत्तों की जो स्त्रियां हैं, कुतियां हैं, वो भी पीछे पीछे चल रही हैं, अनुगमन किया जा रहा है। कौन? सवर सेनापति मातंग, किसके द्वारा? कुत्ते और कुतियों के द्वारा। तो शोभी ही यानी कुत्ते और कौले कुटुम्बिनी यानी कि कुतियां, इनके द्वारा पीछा किया जा रहा है, उसका मतलब ये पीछे पीछे चल रहे हैं। तो शोभी ही यानी कि कुत्ते पीछे पीछे चल रहे हैं। अब उन कुत्तों के विशेषण दिए जा रहे हैं कि वो कुत्ते कैसे हैं। तो उपजात परिचय ही, कुत्ते किस प्रकार के हैं? उपजात परिचय ही यानी परिचय, जिनका उत्पन्न हो चुका है और अनुगच्छद भी,
माने जो पीछे पीछे चल रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, उपजात परिचय सारे किसके विशेषण हैं, कुत्तों के विशेषण हैं। ठीक है, जितने भी पुल्लिंग तृतीयांत हैं सभी कुत्तों के विशेषण हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और उसका अन्वय कहाँ होगा? अनुगम्य मानम, माने कुत्तों के द्वारा पीछा किया जा रहा है, माने कुत्ते पीछे पीछे चल रहे हैं किसके? मातंग नाम के सबर सेनापति के। तो देखिए, उपजात परिचय ही, उपजात माने उत्पन्न हो गया है। उत्पन्न हो गया है, क्या उत्पन्न हो गया है? तो कहते हैं परिचय, परिचय जिनका। बात समझ में आ गई कि नहीं? परिचय मतलब मित्रता समझ लो, अथवा साथ रहना समझ लो। परिचय का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का ज्ञान, समझ आ गया कि नहीं? उपजात माने उत्पन्न हो गया है, परिचय यानी परस्पर का ज्ञान, एक दूसरे का ज्ञान। तो मतलब कि जो कुत्ते हैं उनको से माने जो मातंग है, सेनापति है, उसके साथ में बहुत समय तक विद्यमान रहे, तो इसीलिए उनको क्या हो गया है, जो है परस्पर, जो है माने सेनापति के, सेनापति को वो जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, और सेनापति उन कुत्तों को पहचान चुका है, क्योंकि एक साथ में बहुत समय तक विद्यमान रहे ना, तो इसीलिए उत्पन्न हो गया है परिचय यानी परस्पर का ज्ञान। और बात समझ में आई कि नहीं? और इसीलिए जब कुत्ते पहचान जाते हैं किसी व्यक्ति को तो उसके पीछे पीछे चल जाते हैं। तो अनुगच्छद भी, अनुगच्छद भी माने इसीलिए जो पीछे जा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अनुगच्छद भी माने जो अनुगमन कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि परिचय उत्पन्न हुआ ना, एक ही जगह पर बहुत काल तक साथ साथ में रहने में क्या हो जाता है, एक दूसरे का परस्पर पहचान उत्पन्न हो जाता है। तो वो कुत्तों को सेनापति के साथ हो गई है पहचान, परिचय उत्पन्न हो गया है, इसीलिए वो जो कुत्ते हैं वो अनुगच्छद भी माने पीछे पीछे चल रहे हैं कुत्ते। और कुत्ते कैसे हैं? तो कहते हैं कि श्रम बसात, श्रम बसात। श्रम का मतलब क्या है? रास्ते में चलने के परिश्रम के कारण। श्रम माने परिश्रम के कारण, परिश्रम किस बात का? रास्ते में चलने का, जानवरों का पीछा करने का, क्योंकि कुत्ते हैं तो जानवरों का पीछा करते हैं, दौड़ा लेते हैं हिरण इत्यादि को। तो श्रम बसात माने परिश्रम के कारण, रास्ते में चलने का जो परिश्रम है उस परिश्रम के कारण। क्या होता है, जो कुत्ते इत्यादि जानवर कोई भी हो तो माने परिश्रम होने पर जीभ निकल जाती है, और कुत्ते तो जीभ, कुत्तों की जीभ निकल जाती है परिश्रम के कारण, समझे कि नहीं? हाँफने लगते हैं जीभ निकाल करके। तो वही बता रहे हैं कि श्रमावसात माने परिश्रम के कारण उनकी जीभ निकली हुई है, और उसके द्वारा वो अपने कष्ट को बता रहे हैं। बात समझ में आए कि नहीं? अपने परिश्रम को सूचित कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, श्रमावसात परिश्रम के कारण दूर विनिर्गता भी, दूर मतलब मुख से दूर मतलब बहुत ज्यादा, मुख से दूर मतलब बहुत ज्यादा बाहर, दूर मतलब मुख से बहुत ज्यादा बाहर तक जो विनिर्गत है, विनिर्गत मतलब निकली हुई। समझ आ गया कि नहीं? मुख मतलब दूर, मतलब मुख से दूर, दूर माने मुख से बहुत दूर तक, बहुत ज्यादा बाहर तक। विनिर्गत माने निकली हुई, क्या निकली हुई है? तो कहते हैं जीभ निकली हुई है, ये जिह्वा के विशेषण है कि दूर से तक जो विनिर्गत माने निकली हुई है, मुख से बहुत ज्यादा निकली हुई है। विनिर्गत माने निकली हुई, दूर माने दूर तक, कहाँ से? तो मुख से जो दूर तक निकली हुई है। क्यों? परिश्रम अवसाद, श्रम के कारण, परिश्रम के कारण। कौन है? जिह्वा।
जुआ मतलब जीव, किसकी? कुत्तों की। उस जीव के द्वारा वो क्या बोधित कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सूचित कर रहे हैं? अपने खेद को, अपने कष्ट को सूचित कर रहे हैं। अब कह रहे हैं स्वभाव पाटल तयास उसका भीरपि हरिण सोणितमिव छरंती भी। कहते हैं कि जो कुत्तों की जीभ है वो स्वाभाविक रूप से ही पाटल है, यानी लाल है। अतः स्वाभाविक रूप से पाटल होने के कारण, स्वभाव यानी कि स्वाभाविक रूप से पाटल यानी लाल होने से, स्वभाव यानी प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से यानी कि प्राकृतिक रूप से लाल होने के कारण, स्वभाव पाटल तो यानी स्वाभाविक रूप से पाटल यानी लाल होने के कारण, ठीक है। कौन? जीव, कुत्तों की जीव जो है स्वाभाविक रूप से पाटल होती है, लाल या हल्की मतलब गुलाबी टाइप की होती है। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि यदि कुत्तों की जीभ तो शुष्क है, शुष्क मतलब सूखी है, क्या है? सूखी है, सूखी, शुष्का भी रपि, सूखी सूखी होने पर भी जो कुत्तों की जीभें हैं वो सूखी हैं, फिर भी इव माने मानो, फिर भी मानो हरिण सोणितम इव माने हिरण के, सोणित यानी खून को, इव माने मानो छरंती भी, वो मानो हिरण के खून को क्या कर रही हो, छरंती यानी कि मतलब टपका रही हो, चुआ रही हो। समझ आया कि नहीं? शुष्का भी मतलब सूखी होने पर भी, शुष्का भी अपि, अपि माने भी, तो शुष्का मतलब सूखी होने पर भी, चूंकि वो स्वाभाविक रूप से ही पाटल माने लाल गुलाबी हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है उन जीभों को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो हरिण हरिण माने हिरण के सोणित माने खून को, इव माने मानो छरंती भी यानी चुआ रही हो, ऐसी जो जिह्वाएं टपका रही हो, ऐसी जो जिह्वा मतलब जीभ, किसकी? कुत्तों की जीभें, तो ऐसी जीभों के द्वारा आवेद्यमान, आवेद्यमान मतलब सूचित किया जा रहा है, आवेद्यमान मतलब सूचित किया जा रहा है खेद, खेद यानी कि कष्ट। समझ आया कि नहीं? तो ऐसी जिह्वा भी माने जीभों के द्वारा आवेद्यमान मतलब सूचित किया जा रहा है खेद मतलब कष्ट, जिनका जिनका ऐसे कौन है, ऐसे हैं कुत्ते, कष्ट जिनका सूचित किया जा रहा है, ऐसे कौन हो गए, ऐसे हो गए सुआ, सुआ माने कुत्ते। समझ में आ गया कि नहीं? और उन कुत्तों की विवृत मुखतया, उन कुत्तों के जो मुख हैं वो विवृत हैं, खुले हुए हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? इतना जो कुत्ते हैं उनके विशेषण है तृतीयांत के, उपजात परिचय ही माने परिचय, परस्पर उत्पन्न ज्ञान हो गया है सेनापति के साथ में कुत्तों का, तो इसीलिए कुत्ते अनुगच्छत भी पीछे चल रहे हैं सेनापति के। और श्रमवसात माने परिश्रम के कारण दूर विनिर्गता भी, कुत्तों की जो जीभ है वो दूर तक, दूर निकल गई, मुख से बहुत दूर तक बाहर निकली हुई हैं। स्वभाव पाटल तया माने स्वाभाविक रूप से पाटल लाल होने के कारण जीभें यद्यपि सूखी हैं मतलब हिरण का खून लगा नहीं है, फिर भी शुष्काभिरपि सूखी होने पर भी हरिण सोणितम्य हिरण के शोणित यानी खून को भी माने मानो चरंती भी माने चुआ रही हूँ टपका रही हूँ, ऐसी जिह्वा भी माने जीभों के द्वारा आवेद्यमान मतलब सूचित किया जा रहा है खेद माने कष्ट जिनका, ऐसे हैं कुत्ते, ठीक है, ऐसे कुत्ते हैं। और कुत्ते कैसे हैं? तो कहते हैं विवृत मुख तया माने खुले मुख होने के कारण। समझ में आ गया कि नहीं? विवृत मुखतया मतलब क्या है? खुले मुख होने के कारण, विवृत माने खुला, खुले मुख होने के कारण, खुले मुख होने के कारण
ठीक है, क्योंकि कुत्तों के मुख तो खुल ही जाएंगे, परिश्रम रहेगा जो है, परिश्रम के कारण जीभ उनकी तो निकल रही बाहर, तो मुख नहीं खुलेगा, मुख भी खुल ही जाएगा। तो भाई विवृत माने खुले मुख होने के कारण, कुत्तों का मुख खुला होने के कारण, जो कुत्ते के दांतों की किरणें हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, इस बात को बता रहे हैं, स्पष्ट दृष्ट दंतानसून। तो अब मुख खुला है तो उनकी दांत, कुत्तों की जो दांत हैं उन दांतों से निकलने वाली जो किरणें हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, भाई बता रहे हैं, स्पष्ट माने स्पष्ट रूप से, स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से दृष्ट, दृष्ट मतलब दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? दंतांशूल, दांतों की किरणें, समझ में आया कि नहीं? विवृत मुख तया मतलब खुले मुख होने के कारण, स्पष्ट माने स्पष्ट रूप से, दृष्ट माने दिख रही है, दंतांशूल माने दांतों की किरणें, समझ में आ गया कि नहीं? दांतों की किरणें बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, किरणें जिनमें, जिनमें दांतों की किरणें बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। तो अब समझिएगा, तो इस प्रकार के जो सृक् को भाग हैं, सृक् को भाग मतलब होंठ के किनारे, ऐसे मतलब होंठ के जो किनारे हैं उनके अंदर देखोगे तो दिखेगा, स्पष्ट माने स्फुट रूप से, दृष्ट माने दिख रही हैं, दंतांशूल मतलब दांतों की किरणें जिनमें, इस प्रकार के उसके सृक् को भाग हैं। सृक् को भाग का मतलब क्या होता है? होंठ के किनारे, होंठ के किनारे का भाग मतलब हिस्सा, ऐसे हिस्सों को उद्वहद्भिः, ऐसे हिस्सों को क्या कर रहे हैं? उद्वहन कर रहे हैं मतलब धारण कर रहे हैं। कौन धारण कर रहे हैं? कुत्ते, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो होंठ के किनारे के जो हिस्सा है, भाग है, वो भाग कैसा लग रहा है? तो ऐसा लग रहा है जैसे दंष्ट्रांतराल लग्न के सरी सटाने वो दंष्ट्र, दंष्ट्रा, दंष्ट्रा का मतलब क्या है? दाढ़ या दांत, दांत के अंतराल माने बीच में, दांतों के अंतराल में, अंतराल मतलब बीच में, मध्य में, दांतों के बीच में लग्न माने लग गया, केसरी सटा मतलब ऐसा लगता है जैसे जो केसरी यानी शेर के, सटा का मतलब क्या होता है? कंधे के बाल, शेर के जो सटा कहते हैं, गर्दन का बाल, गर्दन या कंधे का बाल, ठीक है। गर्दन या कंधे का बाल, समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि ये जो सृक् को भाग है, सृक् को भाग मतलब होंठ के जो किनारे का जो हिस्सा है, वो होंठ के किनारे के हिस्से जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं। इव, इव का मतलब है मानो, इव माने मानो, ऐसा लग रहा है कि उसमें स्पष्ट माने स्फुट रूप से, दृष्ट माने दिख रही है, दंतांशों मतलब दांतों की किरणें, तो दांतों की किरणें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। ऐसे सृक् को भाग मतलब होंठों के किनारे हैं, जो कुत्तों के होंठ हैं उनके जो किनारे हैं उनमें स्पष्ट रूप से दांतों की किरणें जो है उनमें दिख रही हैं। अब लग ऐसा रहा है वो किरणें नहीं लग रही हैं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है दांतों के अंदर शेर के बाल फंसे हुए हों, दंष्ट्रा माने दांतों के अंतराल माने बीच में, लग्न माने लगे हों, केसरी माने शेर के, सटा मतलब जो गर्दन या कंधे के बाल फंसे हुए हैं, मतलब कुत्तों ने
शेर को भी क्या कर दिया, मतलब मार गिराया, और उनके शेर के जो बाल हैं वो कुत्तों के मुख में फंस गए। तो दंष्ट्रा यानी दांतों के अंतराल माने बीच में लग्न माने लगे हैं, केसरी माने शेर के, सटा यानी गर्दने कंधे के बाल, इव माने मानो, इस प्रकार से प्रतीति हो रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में तो दांतों से किरणें निकल रही हैं, उनसे ऐसा जो है क्या हो रहा है, इस प्रकार से जो है प्रतीति हो रही है कि वो किरणें ना हो करके क्या हो, वो जो है शरीर के माने केसरी यानी शेर के सटा माने बाल हों, जो कि उनके कुत्तों के दांतों के अंतराल में बीच में फंस गए हैं, दंष्ट्रा के बीच में लग्न माने लग गए हैं। तो इस प्रकार से जो कुत्ते के जो सृक्क भाग है, मतलब होंठ के किनारे का हिस्सा है, उन हिस्सों को उद्भाद भी मतलब धारण कर रहे हैं कौन, कुत्ते। अरे कुत्ते के जो सृक्क भाग होंगे होंठ के किनारे के हिस्से, उनको उद्वहन कौन करेंगे, उनको धारण कर रहे हैं कुत्ते। तो ऐसे कुत्ते, उन कुत्तों के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, पीछा किया जाता हुआ, कुत्ते पीछे चल रहे हैं, आगे सबर सेनापति चल रहा है। तो इस प्रकार से सबर सेनापति को वैशंपायन बता रहा है कि मैंने देखा। ठीक है, और कुत्ते कैसे हैं भाई, तो उसको देख लेते हैं। स्थूल बराटक मालिका परिगत कंठ ही महाबराह दंष्ट्रा प्रहार जर्जरित ही अल्पकायरपि महाशक्तित्वाद अनुपजात केसरैरिव केसरी किशोर कई ही। देखो भाई, कहते हैं स्थूल बराटक मालिका परिगत कंठ ही। देखिए, स्थूल जो बराटक, उस बराटक की जो मालिका, उस मालिका का जो मालिका मतलब माने जो माला, उस माला से परिगत, परिगत मतलब युक्त है, कंठ जिनका मतलब जो कुत्ते हैं, उन कुत्तों, वो कुत्ते माला पहने हुए हैं। किसकी माला पहने हुए, बराटक की। बराटक मतलब क्या होता है, बराटक यानी कौड़ी होती है, उन कौड़ियों की जो माला है वो माला से परिगत माने युक्त है, कंठ जिनका। बात समझ में है कि नहीं, कुत्ते माला जो है पहने हुए हैं, किसकी, कौड़ियों की माला पहने हुए हैं, उनकी कंठ में कौड़ियों की माला पड़ी हुई है। स्थूल मतलब मोटी मोटी, मोटी मोटी जो बराटक यानी कौड़ी है, उन कौड़ियों की मालिका मतलब माला, उस माला से परिगत माने युक्त, माला से युक्त, माला से भरा हुआ, माला है लिपटी हुई, तो माला से परिगत युक्त घिरा हुआ भरा हुआ कंठ माने गला जिनका, ऐसे कौन है कुत्ते। स्थूल माने मोटी मोटी, बराटक माने कौड़ियों की मालिका माने माला से परिगत माने युक्त है, कंठ माने कंठ देश जिनका, गला जिनका, ऐसे कौन है, ऐसे हैं कुत्ते। ये हो गया गला जिनका, ऐसे कौन हो गए, कुत्ते हो गए। और कुत्ते कैसे हैं, तो महाबराह दंष्ट्रा प्रहार जर्जर ही अल्पकाय ही। कुत्ते जो हैं वो महान बराह के, दंष्ट्रा के प्रहार से जर्जर हो गए हैं। कुत्ते कैसे हैं, महाबराह, महा मतलब बहुत भयंकर, महा मतलब बड़ा विशाल, विशाल जो बराह है, बराह मतलब सुअर, सूकर, सुअर, उस सुअर के दंष्ट्रा प्रहार से, उसके जो है सूकर के दंष्ट्रा यानी दांतों के, दांतों के प्रहार से जर्जर हो गया है। जर्जर का मतलब है, मतलब एकदम ढीले पड़ गए हैं। महाबराह यानी विशाल सूकर के साथ लड़ाई होती रहती थी कुत्तों की, तो सुअर उनको मार मार क्या कर देते थे, उनके अंग अंग को हिला देते थे कुत्तों के। तो इसलिए महाबराह मतलब जो महान विशाल बराह माने जंगली सुअर जो है, उसके दंष्ट्रा माने दांतों के प्रहार से, दांतों की चोट से जर्जर मतलब कि ढीले हो गए हैं। जर्जर यानी ढीले हो गए हैं, ढीले अंग हो गए हैं जिनके, ऐसे ढीले अंग वाले, ऐसे ढीले अंग वाले कौन है, कुत्ते। ठीक है, कुत्तों के अंग प्रत्यंग सारे क्या हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं, ढीले अंग वाले कुत्ते हैं। और कुत्ते कैसे हैं, कहते हैं अल्पकाय रपि, यद्यपि अल्पकाय ही, अल्प मतलब छोटे, कुत्ते कैसे हैं, छोटे काय मतलब शरीर वाले हैं,
अपि माने होने पर भी, छोटे शरीर वाले होने पर भी। छोटे शरीर वाले हैं कुत्ते, अल्प मतलब छोटे काय मतलब शरीर वाले हैं, फिर भी अपि माने फिर भी, महाशक्तित्वात् महान शक्ति वाले हैं, महान मतलब प्रबल, बहुत ज्यादा शक्ति वाले हैं, प्रबल शक्ति वाले हैं यानी कि प्रबल पराक्रम वाले हैं। महान शक्ति वाले हैं, समझ में आया कि नहीं, बहुत ज्यादा प्रबल पराक्रम करने वाले हैं। तो महाशक्तित्वात् महान शक्ति वाले, महान बलशाली होने के कारण, यद्यपि कुत्ते छोटे शरीर वाले हैं लेकिन महाशक्तित्वात् महान बल वाले होने के कारण, इव माने मानो, मानो वो क्या हो, केसरी किशोर कही, केसरी यानी शेर के, किशोरक यानी बच्चे हो, शेर के किशोरक माने बच्चे हो। अब बताओ, इव माने मानो, केसरी किशोर कहे माने शेर के बच्चे हो। अब शेर के बच्चे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि शेर के बच्चों के तो कंधे में विशेष प्रकार के बाल उगते हैं जिनको हम सटा कहते हैं, तो कहते हैं अनुपजात केसरी। ये ऐसे हैं केसरी की किशोर माने बच्चे, जिनके अभी केसर उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि केसरी केसर के कारण बनता है, केसर है जिसके, उसको केसरी कहते हैं, यानी कि गर्दन और स्कंध पर जो, कंधे पर जो बाल होते हैं। तो अनुपजात केसरी कहते हैं कि अभी इनके केसर उत्पन्न नहीं हुए हैं। अनुपजात माने उत्पन्न नहीं हुए, केसर माने गर्दन और कंधे के बाल, जिनके बाल, जिनके ऐसे कुत्ते हैं जिनके अनुपजात मतलब उत्पन्न नहीं हुए हैं। केसर माने वही जो गर्दन और माने ग्रीवा और स्कंध के जो बाल हैं, वो बाल इनके उत्पन्न नहीं हुए हैं, ऐसे कुत्ते हैं। ये माने मानो ये जो है माने केसर किशोर कहे, शेर के बच्चे हों, बस केवल अंतर इतना है कि इनके अभी तक केसर उत्पन्न नहीं हुए हैं। इस प्रकार के जो है कुत्ते हैं, अल्पकाय ही छोटे शरीर वाले होने पर भी, महान शक्ति वाले होने के कारण, प्रबल पराक्रम वाले होने के कारण, ऐसे लग रहा है जैसे वो केसरी किशोर हों, शेर के बच्चे हों, बस जिनके उत्पन्न केसर नहीं हुए हैं। बात समझ में है कि नहीं, जिनके केसर माने बाल जिनके उत्पन्न नहीं हुए हैं। और कह रहे हैं कि मृग बधु वैधव्य दीक्षा दान दक्षई अनेक वर्णई शोभी। कुत्ते कैसे हैं, तो जो मृग बधु हैं, मृग मतलब हिरण की, हिरण की जो बधु यानी स्त्रियां पत्नियां, हिरणों की जो बधु यानी पत्नियां हैं, उन पत्नियों को वैधव्य यानी विधवा बना देने वाले हैं। क्या कर देने वाले हैं, मृग बधु या मृग माने हिरणों की बधु यानी पत्नियों को वैधव्य यानी विधवा, विधवापन, विधवापन समझ रहे हैं, मतलब विधवा बना देना। इस विधवापन की, विधवा बना देने की जो दीक्षा है, दीक्षा यानी व्रत है, विधवा बना देने का जो, विधवापन का जो व्रत है, वैधव्य का जो दीक्षा है, व्रत है, उस व्रत को मैंने विधवा बना देना। इसके लिए जो है विधवा बना देने पर जो फिर व्रत होते हैं, तो उन व्रतों की माने उन व्रतों को, उन दीक्षा को दान माने देने में, देने में क्या है, दक्ष हैं, दक्ष यानी कि कुशल हैं। समझ आया कि नहीं, निपुण है कौन, कुत्ते। कुशल कौन है, कुत्ते, किस किस में कुशल हैं, तो हिरण की पत्नियों को वैधव्य की दीक्षा को देने में, यानी उनको विधवापन का दीक्षा माने व्रत को देने में, उनको विधवापन का व्रत देने में, यानी कि उनको विधवा बना देने में, ये जो है क्या है, अत्यंत दक्ष है। विधवापन की, वैधव्य यानी विधवापन की दीक्षा माने व्रत को दान माने देने में, किसको, मृगबधु हिरण की पत्नियों को, यानी कि उनको विधवा कब बनाए, कैसे बनाएंगे, तो पत्नियों के जो पति हैं हिरण है मृग है, उनको मार देंगे, तो जो बधु यानी कि पत्नियां हैं वो विधवा बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी, बस उनके पति मृग हिरणों को मार देना है। तो कुत्ते क्या करते हैं, माने मृगों का नाश कर देते हैं, तो इसलिए उनकी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाती हैं। तो इसलिए मृग बधु माने हिरणों की पत्नियों को वैधव्य की दीक्षा को दान देने में अत्यंत दक्ष हैं, यानी उनको विधवापन का
का व्रत देने में बहुत कुशल है, यानी उनको विधवा बना देते हैं। ऐसे कुत्ते हैं और अनेक वर्ण ही अनेक वर्ण वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब लाल पीले इत्यादि विविध प्रकार के रंगों के, अनेक माने बहुत से वर्ण, मतलब रंग वाले हैं, बहुत रंग वाले हैं। समझ में आया कि नहीं? बहुत से रंग वाले कौन? सभी यानी कुत्ते। सभी मतलब कुत्ते। ऐसे कुत्तों के द्वारा, कुत्तों के द्वारा अनुगम्यमानम मतलब पीछा किया जा रहा है, कुत्ते जो है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। किसके? सबर सेनापति के। तो उनके द्वारा जो है अनुगमन किया जा रहा है सबर सेनापति का, कुत्तों के द्वारा अनुगमन किया जा रहा है। प्लस जो उन कुत्तों की जो माने, और ये किसका अर्थ है? चा का अर्थ है। और जो कुत्तों की कुटुंबिनी है, स्त्रियां हैं, कुतियां हैं, उनके द्वारा भी अनुगमन किया जा रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं? वही बता रहे हैं। अति प्रमाणा भी, अति माने बहुत ज्यादा, प्रमाण माने लंबाई चौड़ाई है जिनकी, अति माने विशाल अर्थ कर दो, अति माने विशाल प्रमाण है जिनका, ठीक है, विस्तृत प्रमाण वाली देह है जिनकी। विशाल प्रमाण मतलब तो होता है लंबाई चौड़ाई, अति माने विशाल बहुत ज्यादा, प्रमाण माने लंबाई चौड़ाई, तो हम कहेंगे विशाल देह वाली कौन? कौलेयक कुटुंबिनी, जो कौलेयक की कुटुंबिनी है। कौलेयक मतलब क्या होता है? कुत्ता। उसकी जो कुटुंबिनी यानी कि स्त्रियां माने कुतियां, तो वो क्या है? अति प्रमाण वाली हैं, बहुत ज्यादा लंबाई चौड़ाई वाली हैं, विशाल देह वाली हैं। कौन? कौलेयक कुटुंबिनी यानी कि कुत्तों की कुटुंबिनी यानी पत्नियां। और वो पत्नियां जो हैं ऐसी हैं जैसे केसरिणाम अभय प्रदान याचनार्थम आगता भी। केसरिणाम यानी कि केसरी यानी शेर की, केसरी यानी कि शेरों की जो अभय प्रदान की याचना के लिए आई हुई, ठीक है, किसके पास आई हुई? जैसे हाथियों के पास अभय प्रदान यानी कि उनसे मतलब अभय का प्रदान, मतलब एक डर ना रहना, अभय, अभय का मतलब उनको मतलब ना मारना, उनकी रक्षा करना। तो शेरों को ना मारना, शेरों को मत मारना, इस प्रकार की जीवन की रक्षा के लिए, अभय प्रदान के लिए याचना करने के लिए हाथियों के निकट आगता भी माने आई हुई सिंगी भी इव, मतलब शेरनियों की तरह है। जैसे शेर की पत्नियां हाथियों के पास जाती हैं, क्योंकि हाथी बहुत विशाल हैं, जो शेरों को भी क्या करते हैं? शेरों को भी कुचल के रख देते हैं। तो जो सिंघी भी इव, इव माने मानो, मानो सिंघी हो, सिंघी मतलब शेरनी हो, मानो शेरनी हो। कैसी शेरनी? जो कि केसरिणाम माने शेरों को अभय प्रदान के लिए, शेरों का अभय प्रदान मतलब उनका जीवन रक्षा के लिए, जीवन रक्षा, अभय प्रदान मतलब उनको अभय का वर देना कि डरो मत, नहीं मारूंगा, इस प्रकार का जो अभय प्रदान है, जीवन रक्षा है। तो केसरिणाम माने शेरों को अभय प्रदान के लिए माने जीवन रक्षा के लिए याचना करने के लिए, जीवन रक्षा के लिए याचना यानी प्रार्थना के लिए किसके पास? हाथियों के पास। प्रार्थना के लिए, याचनार्थम माने प्रार्थना के लिए, मांगने के लिए, जीवन रक्षा को मांगने के लिए, जीवन रक्षा के लिए जो याचना है, प्रार्थना है, उस प्रार्थना के लिए जो आगता भी मतलब आई हैं, किसके पास आई हैं? हाथी के पास, हाथी के पास आई हुई। हाथी कौन है? वो जो माने सबर सेनापति है, सबर सेनापति एकदम काला काला है, हाथी के तुल्य कृष्ण वर्ण का है, तो उसके पास मानो आई हो। समझ में आया कि नहीं? कि जैसे सिंघी भी माने शेरनियां जो है, इब माने मानो, केसरिणाम मतलब शेरों को, अभय प्रदान मतलब जीवन रक्षा के लिए कि शेरों को मत मारिएगा, ये बताने के लिए, ये मांगने के लिए, ये अभय प्रदान माने जीवन रक्षा की प्रार्थना याचना करने के लिए
आगता भी मतलब हाथी के पास आई हूं। हाथी कौन है? हाथी है सबर सेनापति, क्योंकि वो भी क्या है, सबर सेनापति भी मातंग भी क्या है, वो भी काला है और हाथी भी काला होता है, उसी की तरह हाथी की तरह विशाल देह वाला भी है, तो इसलिए आगता भी मतलब आई हुई है। कहाँ पर आई? सबर सेनापति के पास, जो कि माने हाथी के तुल्य है, उसके पास आई हुई है। कौन? अत्यंत प्रमाण वाली, विशाल देह वाली, बहुत लंबाई चौड़ाई वाली, इव माने मानो शेरनिया आई हुई हूँ। इस प्रकार की जो कौलेय कुटुम्बिनी है, यानी कुत्तों की जो स्त्रियां हैं, कुत्तों की जो कुटुम्बिनी यानी कि भार्याएं, कुत्तों की भार्या यानी कि कुतियां हैं, उन कुतियों के द्वारा, समझ आया, माने सभी माने कुत्तों के द्वारा, और प्लस कौटिल्य कुटुम्बिनी यानी कि जो कुत्तों की भार्या कुतियां, उनके द्वारा अनुगम्यमानम पीछा किया जा रहा है। अनुगम्यमानम मतलब ये जो है इनके द्वारा पीछा किया जाता हुआ, जो जो है इनका माने वो क्या कर रहा है, माने ये कुत्ते और कुतियां उसका पीछा कर रहे हैं, माने वो आगे आगे चल रहा है और ये सब ये पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसा कौन हुआ? ऐसा हुआ ये सबर सेनापति। ऐसा कौन हो गया? सबर सेनापति। चलिए, तो इस पाठ को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ तक समझ आ गया ना, कौलेय कुटुम्बिनी भी अनुगम्यमानं पीछा किया जाता हुआ हुआ हो गया सबर सेनापति, जिसका नाम क्या है, मातंग। ठीक है, तो इसको इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाठ में इसका जो बचा हुआ अंश है उसको देखेंगे। इसको यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।